देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है। देखिए सबसे पहले कढ़ाई को चढ़ाया, नहीं चूल्हा जलाया गया, उसके बाद कढ़ाई को चढ़ाया गया है, उसके बाद फिर तेल डाला गया कढ़ाई पे, तेल डालने के बाद प्याज डाला गया है, उसके बाद खुखड़ी को डाला गया है। देखिए जो मेरी भतीजी है ये आराम से बना रही है, बहुत टेस्टी खाना बना लेती है, लेकिन ज़्यादा क्लास में नहीं पढ़ती है, 8 क्लास की बच्ची है, लेकिन इतना टेस्ट बनाएगी खाना ना, अभी देखिएगा कितना मस्त चला रहे। देखिए आराम आराम से, नो टेंशन, बिंदास बनेगा तब तो स्वादिष्ट आएगा, हड़बड़ा के बनाने से अच्छा नहीं ना बनता है यार, पानी उनी डाल देने से अच्छा किचिर का सर लगता है, ठीक नहीं लगेगा। देखिए मस्त में चला रहे, देख लीजिए पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कि किस तरह बनाया जाता है। देखिए देहात का लोग हैं हम लोग, लकड़ी से खाना बना रहे हैं, इधर देखिए चूल्हा बनाए हुए हैं, चूल्हा भी थोड़ा फट गया है लेकिन काम चल रहा है अभी। देखिए इधर से आग जल रहा है आराम से, नीचे से हम लोग का इधर गैस नहीं ना है, है गैस लेकिन तकनीकी प्रॉब्लम स्थिति खराब के कारण, और लकड़ी मिलता है इधर, और इधर है माड़ है, चावल पसाया गया है, इधर थाली में मसाला का पानी है, उधर मसाला पीसने का सिलेट, इधर है क्या बोलते हैं इसको, रोटी बनाने वाला ताई, इस तरह का किचन है। देखिए देहात का किचन है फिर भी सुपर हीट है, एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला है, देखिए इस तरह का है। और इसमें अब बनेगा पूड़ी, देख लीजिए आटा यहाँ गूंद के रखा गया है, इस आटा से पूड़ी बनेगा। आलू किधर चला गया जी, और इधर आलू भी है, देखिए इसमें आलू में मिलाया जाएगा, मटर, आलू, और इधर भी लाहर, सब मिला के मस्त बनाया जाएगा चटनी। और देखिए यहाँ पे चना रखा हुआ है, पानी के अंदर है, थोड़ा देख लीजिए आराम से, देखिएगा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या बन रहा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके फ्रेंड्स, देख लीजिए इधर स्माइल रूपा, या